बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आपको AL रीड FC का और AL वहडा का जो मैच है सऊदी अरेबियन लीग का A to Z डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखेगा, एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। 6 घंटे 7 मिनट में ये मैच खेला जाएगा। डेफिनेटली इस मैच में चेंजेस आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद हेल्प मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल की, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्लिक करके तुरंत से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करते ही सीधा आप गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़ जाओगे। डेफिनेटली आपको यहाँ पर फाइनल टीम अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएगी। कुछ दिनों में पेटीएम कैश का गिवअवे भी शुरू किया जाएगा, तो वीडियो को लगातार देखा करिए, सपोर्ट कीजिए करिए। और ज़्यादातर वीडियो देखने से आपको फायदा ये भी रहेगा, एक तो आप पेटीएम कैश जीतोगे ही, दूसरे से आपको नॉलेज भी मिल जाएगी मैच के, जिसके बेसिस पर आप इजीली तरीके से मैच वगैरह भी लगा सकते हो। तो जो है यहाँ पर आपको फाइनल टीम वगैरह भी मिल जाएगी, और प्लस जो भी पेटीएम कैश का गिव वगैरह आता है या फिर हमारे एप्लीकेशन बल्लेबाजी एप्लीकेशन का जो भी गिव आता है वो यहाँ पर उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। रियल 11 की भी अपडेट आपको मिल जाती है, तो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो गाइस बल्लेबाजी जब एप्लीकेशन का जिक्र हो ही गया तो इसके बारे में भी जान लीजिए। बेस्ट एप्लीकेशन है, 10 रुपीज़ मिनिमम विड्रॉल है और 2 लाख तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इंस्टेंट आपके पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप UPI से भी ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो, पेपल से भी ले सकते हो, जिससे लेना चाहो उससे ले सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता KYC करने में, तुरंत KYC ले लेता है, अपडेट हो जाता है, एक ही दिन में अपडेट कर देगा आपका, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगता KYC अपडेट करने में। रिवार्ड सेक्शन में रिवार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं और लीडर बोर्ड में आपको बहुत सारे प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक बना है, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत से डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट एप्लीकेशन है, बल्लेबाजी एक बार खेल कर देखेगा डेफिनेटली आप ड्रीम 11 पे खेलना भूल जाएंगे। भाइयों इतना कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता आपको मैच के बारे में भी याद होगा। मैच के बारे में आपको बता दूं, रेड वर्सेस FC वर्सेस AL वहदा के बीच मैच है, इसके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूं, ठीक है। चलिए पॉइंट्स टेबल में इसका रिकॉर्ड देखते हैं, कितने मैचेस खेल कर आए हैं इस सीजन में ये देख लेते हैं। पहले फिलहाल दोनों के खाते बहुत जीरो से ही भरे हुए हैं भाई, क्योंकि दोनों ही अभी एक भी मैच जीत कर नहीं आ रहे हैं। टोटल एक ही मैच खेला है अभी दोनों ने रिसेंट में, और फिलहाल वो भी मैच ड्रॉ होते हुए नजर आया है, बिल्कुल उसमें भी कामयाबी इनको नहीं मिली है। तो डेफिनेटली अभी आप समझ सकते हो इनका क्या कंडीशन है। टीम्स आपस में टक्कर एक दूसरे को दे सकती है, इस पर मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ, बट डेफिनेटली कौन सी अच्छी टीम है ये मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख है दोनों मैच जब खेलेंगे तो डेफिनेटली उसमें पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर ज़्यादातर आपको अच्छा लगेगा अपनी टीम से, उनको ट्राई करना चाहिए स्मॉल लीग में या ग्रैंड लीग में करना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक टीम क्रिएट करोगे। अभी एज अ पॉइंट्स टेबल के बेस पर इस मैच को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला टीम अच्छा है और ये वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो यार इसमें अपने को कुछ नहीं पता, दोनों ही मैच ड्रॉ हो चुके हैं, तो ना गोल हुआ है ना कुछ हुआ है, ना एक मैच वो जीत कर आ रहा है ना ये जीत कर आ रहा है। अगर मैं लास्ट सीजन का मैच दिखा भी दूं तो वो आपको मार्च और उससे पहले का मैच आपको दिखाएगा, जिसका देखने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसमें से आधे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है लाइनअप में। बट चलिए अपने को जो स्किल्स पता है, जैसा कि फुटबॉल के मैच में ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं जिसको सुनकर आप कभी भी फुटबॉल के मैच में लॉस नहीं करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपका गोलकीपर सेक्शन से ही आ जाता है। अगर आप गोलकीपर को ट्राई कर लेते हो भाई, एक पास कंप्लीट करके दे देता है, ठीक है, और एक क्लीन स्वीप कर दिया तो आपका काम बन गया। समझ लो वाइस कैप्टन आपका गोलकीपर था, बिल्कुल आपका वाइस कैप्टन काम कर गया वहां पर, बिल्कुल फेल नहीं होगा। कैप्टन तो आपको पता ही है, जिस मैच में आपको नहीं पता, जिसके साथ सब जा रहे हैं आप भी उसी के साथ चले जाइए भाई, हारेगा तो सबका हारेगा, जीतेगा तो सबका जीतेगा, यही होता है। बट इन केस में आपको बता रहा हूं आप अपोजिट कर सकते हो, आप ऐसा गोलकीपर को ऐसा कैप्टन बना सकते हो और वाइस कैप्टन आप उसको रख सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं है उसके ऊपर। तो अगर आपको पता है कि बंदा खेलता है तो ही आप ट्राई कीजिएगा ऐसा कैप्टन, ठीक है, उनके कहने पर और लोगों के सिलेक्ट करने पर बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए एक बेस्ट टीम क्रिएट कर लेते हैं इसकी, और जिससे क्या है अपने को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये मैच किस मोड पर ले जाएगा अपने को। गोलकीपर सेक्शन से दो ही ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, एक अतिहा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, अगर खेलते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 में आते हैं तो ही ट्राई कीजिएगा इनको। बाकी इनका अगर परफॉर्मेंस बताऊं मैं तो आपको पासेस कंप्लीट करते हुए दे सकते हैं, सेव्स करते हुए आपको देख सकते हैं, बाकी क्लीन सीट भूल जाइए, इनके खाते में बिल्कुल क्लीन सीट का पॉइंट आज तक मैं नहीं देखा हूं। डेफिनेटली डिफरेंशियल पिक वाले एक बार ट्रंप पिक वाले ट्राई कर लीजिएगा अपने ग्रैंड लीग वगैरह में, बाकी अभी फिलहाल स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एस लू को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर लीजिएगा, REA की तरफ से खेले जाने वाले बेस्ट प्लेयर हैं, क्लीन सीट वगैरह करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लास्ट सीजन क्लीन सीट ज्यादातर इनके मतलब गोलकीपर पे खड़े रहने की वजह से मिला था क्लीन स्वीप का पॉइंट, जिसके वजह से ज्यादातर पॉइंट्स इन्हीं का बना था। तो आप वाइस कैप्टन भी एज इनको ट्राई कर सकते हो, स्टार्टर का पॉइंट मिल ही जाता है, सेव्स करने में भी बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर है, क्या अच्छे से सेव करता है भाई गोल्स वगैरह को, कि मतलब इनसे बेस्ट प्लेयर नहीं है, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। मैं भी अभी फिलहाल इन्हीं के साथ जा रहा हूं, अगर कुछ भी चेंजेस होता है भाई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फास्ट टाइम फाइनल अपडेट आपको वहीं देखने को मिलेगी। अब चलिए फॉरवर्ड सेक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे कि जी रोड्रिगेज दिख जाता है ALW की तरफ से खेलते हुए। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने एक गोलकीपर रखा है RAE की तरफ से और फॉरवर्ड सेक्शन से मैंने ALW की तरफ से प्लेयर्स को ट्राई किया है, क्योंकि देखो ज्यादातर गोल मारने के चांस जी रोड्रिगेज के होते हैं, बट अगर दो गोल भी ये सेव करके एक क्लीन शॉट कर दिया ना तो मेरा काम ईजिली हो जाएगा। बट वहीं अगर ये उसी समय इसके ये चीज़ करने के बाद अगर ये गोल कर देता है तो मुझे ये दोनों प्लेयर से फायदा मिल जाएगा, ऐसे प्लेयर्स को ट्राई नहीं करना भाई। एक चीज़ समझ कर चलिएगा, मैच जो होता है वो स्किल के बेस पर टीम्स प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे ही आप किसी को सेलेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल आपका लॉस हो सकता है। आपने ट्राई करके देखा ही होगा ड्रीम 11 जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेलते होगे बल्लेबाजी एप्लीकेशन
लोकेशन पे अभी खेल कर देख लेना, बिल्कुल अगर आप अनसर्न टीम लगाओगे तो बिल्कुल आपका लॉस होगा, अगर आप स्किल बेस पर टीम लगाओगे तो बिल्कुल लॉस नहीं होगा। अब देखो आरएई की तरफ से एक और प्लेयर है जे टेवरस, ये जो प्लेयर है डेफिनेटली आपका एक डिफरेंशियल पिक का भी काम करेगा, एक आपका फॉरवर्ड सेक्शन से चांस क्रिएट करता है, पास कंप्लीट करता है, इंटरसेप्शन वॉन करता है भाई, और शॉट्स ऑन टारगेट करने में एक्सपर्ट प्लेयर है। ठीक है, जिस जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज के बारे में ये एक्सपर्ट प्लेयर है, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा आपको, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी दो प्लेयर्स अपन ने ट्राई कर लिया, बाकी मुझे किसी का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 फिक्स नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उनको ड्रॉप करते हुए चल रहा हूं। बाकी अगर वो नए आते हैं प्लेइंग 11 में तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिडफील्डर सेक्शन पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एक मेरा फेवरेट ऑप्शन मिल जाता है यहां पर, जिसका नाम है भाई अभी आफाजर। ये जो प्लेयर है भाई डेफिनेटली एक नंबर का प्लेयर है, मिडफील्डर में शॉट्स ऑन टारगेट करके, चांस क्रिएट करके, पास कंप्लीट करके, मतलब किसी ना किसी से आपको पॉइंट दे ही देगा। ज्यादातर केसेस में देखा गया है पास कंप्लीट करने में एक्सपर्ट प्लेयर है, चांस क्रिएट करने में बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर है, ज्यादातर चांसेस क्रिएट करता है ये बंदा, और ये फॉरवर्ड सेक्शन को फॉरवर्ड कर देता है चांस क्रिएट करके, और इनका एक और काम है गोल्स वगैरह भी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोगों की टीम में आपको ये देखेंगे। अगर आपको भी पसंद है तो आप ट्राई कर लीजिएगा, बाकी डिफरेंशियल पिक वाले आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्लेयर यहां से दिख जाते हैं वाईएल सहरी और एक मित्रिता दिख जाते हैं। ठीक है, वाईएल सहरी को क्यों ट्राई कर रहा हूं, मित्रिता को क्यों ट्राई कर रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जरूर से देखिएगा वीडियो को कंप्लीट, एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। डिफेंडर सेक्शन से आ जाते हैं, देखो सबसे मेन सेक्शन अपना डिफेंडर का होता है, क्योंकि गोल शॉट ऑन टारगेट, पास कंप्लीट, इंटरसेप्शन वॉन, क्लीन शीट, स्टार्टर, ये सभी चीजें जो फुटबॉल अगर आप देखते होंगे मैच लगाने के बाद तो आपको पता चल गई होगी क्या क्या चीजें फुटबॉल में होती है, एक बार जरूर देखा करिए, जिससे आपको नॉलेज भी मिल जाएगा प्लेयर के भी बारे में, मैच के बारे में भी नॉलेज आपको मिले जाएगा, तो जिससे क्या है आपको देखना फुटबॉल देखना ज्यादा पसंद आने लगेगा, फिर आप फुटबॉल रेगुलर देखा करेंगे। ठीक है, अभी देखो मेरा जो कहना है कि अभी ज्यादातर प्लेयर्स अपन किसके तरफ से ट्राई कर रहे हैं, अभी 5-5 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, दोनों टीम्स की तरफ से हमने लेवल प्लेयर्स को ट्राई किया है, बट डिफेंडर में अपने को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आरएई की तरफ से प्लेयर्स को अपने को ज्यादातर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जीतने के चांस आरएई के ज्यादा लग रहा है मुझे एएलडब्ल्यू के मुकाबले, क्योंकि जो आरएई के प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पॉइंट्स वगैरह देते हुए नजर आएंगे। मैं बता रहा हूं किस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहां से हार्बी को रख लिया। ठीक है, अब ये जो हार्बी है और ये जो हाजरी है, ये दोनों का अपना ही अपना एक फंडा है समझ लीजिए एक, क्योंकि ये पास कंप्लीट करता है, ठीक है, अपने प्लेयर्स के लिए, और ये इंटरसेप्शन वॉन करने में सबसे एक्सपर्ट प्लेयर है भाई, दोनों में जब टक्कर मिलेगी तो पॉइंट्स तो दोनों का ही बढ़ेगा, इसी बेसिस पे मैंने ट्राई कर लिया। ठीक है, समझ के चलिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां बुखारी को मैंने एज अ ट्राई कर लिया है, क्योंकि ये इंटरसेप्शन वॉन और क्लीन शीट में बहुत माहिर प्लेयर है, शॉट्स ऑन टारगेट भी कर देता है, गोल भी कर देता है कभी कदाप। तो अभी बोटिया और फेरेडिया ये मेरे लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, मैंने इसको एज अ इंटरसेप्शनल पिक रख लिया है अभी फिलहाल। ठीक है, बाकी मैंने अदर किसी प्लेयर को ट्राई नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, फिलहाल मैं कोई मना नहीं कर रहा कि भाई इनको ड्रॉप ही कर दो, आप हटाई दो, आप भी ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बुखारी को एज अ वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा खासा यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बताऊं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं एंड में आपको बताऊंगा ये दो प्लेयर को क्यों ट्राई किया, ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर हैं मिडफील्डर सेक्शन से। ज्यादातर आपको शहरी के बारे में अगर बताऊं तो ये ज्यादातर चांस क्रिएट, पास कंप्लीट करके वो गोल्स करते हुए नजर आते हैं, जिसके बेसिस पर मैंने ट्राई किया है। मित्रिता का भी वही रिकॉर्ड है, शॉट्स ऑन टारगेट और क्लीन शीट, और कभी कभी स्टार्टर का पॉइंट मिलता ही मिलता है खेलते हैं तो, और शॉट्स ऑन टारगेट कर देते हैं और पास कंप्लीट कर देते हैं, बस इसी तरीके की पॉइंट इनको भी दे दी जाती है, जिस बेसिस पर हमने इनको भी अपने टीम में एज अ पिक कर लिया। बट इसमें अब आपको समझ नहीं आएगा कैप्टन वाइस कैप्टन आप दो तो किसको दो, ज्यादातर लोग को कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो बहुत लोग बोटिया को एज अ कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, आपकी क्या चॉइस रहेगी कमेंट करके बताइएगा, फेरेरा को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंशियल पिक, यूनिक पिक दिमाग में लेकर आ रहे हैं, बट मैं सीधा पिक आपको बताऊंगा, बुखारी को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कीजिएगा, सीधा पिक है आपके लिए रोड्रिगेज को ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन के लिए, या फिर फेरेरा को, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किसके साथ जाते हो। फिलहाल जो मेरी फाइनल टीम है वो कुछ इसी प्रकार की रहेगी, फजर के साथ भी जा सकते हो, लूंग भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टन के, अदर ऑप्शंस आपके मैंने बता ही दिए हैं जिनके साथ सब लोग जा रहे हैं, आप भी चले जाइए, बट रिकॉर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया उन सभी प्लेयर्स का। ठीक है, अभी जो मेरी फाइनल टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी, क्योंकि फेरेरिया के ज्यादातर चांसेस हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, बुखारी का भी ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर वीडियो स्किप करके आए हो तो वापस जाकर देख लीजिएगा भाई, बल्लेबाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्योंकि ज्यादातर मैचेस अगर आप खेलोगे वहां तो ज्यादातर आपके जीतने के चांसेस, ये ईयरफोन वगैरह का गिववे भी रखा है, थार वगैरह भी रखते हैं भाई, बहुत सारा गिववे वहां पर देखने को मिलेगा, एक बार आप ट्राई करके जरूर से देखिएगा।